Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट संस्कृत सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 7 को सॉल्व करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट आपका, जिसको हम पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। मार्क्स 25, टाइमिंग 1 आवर का है एंड सेप्टेम्बर 2020 का है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आप यहाँ पे शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, लाइक करो एंड कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 5 मार्क्स का दिया गया है यहाँ पे। तो जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद गुड हैंड राइटिंग। आपको क्या करना है, जैसा है सेंटेंस दिया है ऐसे ही आपको कॉपी करके अपने नोट में जिसमें आप टेस्ट दे रहे हो उसमें राइट कर देना है। ओके, इन गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग में आपको राइट करना है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट है, देखो क्या लिखा है, मेघो वर्षति प्रवहति नीरम नीरम, पक्षी द्वारम द्वारम अटति। देन तीसरा नंबर, एका गज वनम गच्छति। चौथा, फोर्थ नंबर इज योर, तत्र एका श्रृगालस्य परिवार वसति। फिफ्थ नंबर, जले एका मकरा वसति। देखो संस्कृत में थोड़ा बहुत मान लो प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हो तो उतना चला लेना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, बिकॉज संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आगे हम सेकंड, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आप गुड हैंड राइटिंग में लिख दोगे तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चन इन संस्कृत बेस्ड ऑन द टेबल गिवन। आपको देखो यहाँ पे टेबल दिया गया, क्रीडका तो मतलब खेल जो है, कौन कौन खेल रहा है, खेलने वाला, राहुला विजया नरेंद्र मोहना नरेशा। उसके बाद प्रथम क्रीडा, द्वितीय क्रीडा, तृतीय क्रीडा, सब में क्या दिए गए हैं यहाँ पे, मार्क्स दिए गए हैं। ओके, देन इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 to 5 क्वेश्चन, ठीक है, इसका आपको आंसर देना है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ठीक है डायरेक्ट आंसर आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो, प्रथम क्रीडा, द्वितीय क्रीडा एंड तृतीय क्रीडा सभी में यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर, कस्य धावणार्का सर्वाधिका संति, किसका मान लो ज़्यादा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर आएगा नरेंद्रस्य, यहाँ पे कस्य की जगह नरेंद्रस्य, पूरा वाक्य में लिखना चाहो तो पूरा सेंटेंस में भी आंसर लिख सकते हो, धावणार्का सर्वाधिका संति, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ 1 वर्ड में ही लिखा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका, नरेशस्य तृतीयम क्रीडायाम कति धावणार्का, तो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे टेबल में से, 31। ओके, 31 को आप लिख सकते हो इस तरह से संस्कृत में। देन क्वेश्चन नंबर 3, मोहनस्य प्रथमा क्रीडायाम कति धावणार्का, तो क्या आएगा इसका आंसर, ये रहा 48। ओके, देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, विजयस्य प्रथम क्रीडायाम कति धावणार्का, तो आंसर आएगा इसका 20। फिफ्थ नंबर आपका, राहुलस्य द्वितीयम क्रीडायाम कति धावणार्का, तो इसका आंसर आएगा आपका फिफ्थ नंबर का यहाँ पे 35। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स का था ये कंप्लीट। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर, ट्रांसलेट द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन संस्कृत। आपको जो भी ये इंग्लिश में दिए गए सेंटेंस उसको आपको यहाँ पे संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। गुजराती मीडियम वाले देख रहे हैं तो भी सेम आएगा, इनका क्या जो हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है वो उनका गुजराती में लिखा होगा, बट संस्कृत वाला तो सेम लिखाएगा। तो गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हो आप उनको भी। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर, फर्स्ट का, दिस इज़ अ विंडो, तो इसको क्या लिखोगे, एतत् वातायनम। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। देन सेकंड है आपका, पैरट ईट्स मैंगो, पैरट क्या खा रहा है, आम खा रहा है, मैंगोज खा रहा है, मैंगो तो क्या राइट करोगे, सुखा आम्र फलम खादति। ओके, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड, दिस इज अ बर्ड, यह क्या है, चिड़िया है, बर्ड है, तो इसका आंसर आएगा ऐसा पक्षी, क्या लिखोगे, ऐसा पक्षी। फोर्थ नंबर इज योर, द डॉग इज रेसिंग और रनिंग, डॉग क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, रेसिंग कर रहा है, तो उसका आंसर आएगा स्वान धावती,
धावती का मतलब होता है रनिंग। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर, द स्पैरो लिव्स इन द नेस्ट। स्पैरो किस में रहता है? नेस्ट में, घोंसले में। तो इसका आंसर आएगा आपका, यहाँ पे लिखना है संस्कृत में ट्रांसलेशन, चटका नीड़े निवसती। क्या आएगा? चटका नीड़े निवसती। तो थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया, ये भी 5 मार्क्स का था आपका, टोटल 50 मार्क्स हो गए। नाउ 10 मार्क्स का हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 5 मार्क्स का एंड क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स। ओके, 5 मार्क्स का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया, फॉर्म द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इदम डैश 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 अस्ति, तो ब्रैकेट में दिया गया था यंत्रम क्रेडम। तो आपको देखो वहाँ से ये माँ निकाल के अंदर ही डैश कर दिया है, बिंदु वाला माँ लगा दिया है, ठीक है, यंत्रम में। देन क्रेड था तो क्रेडम था, तो क्रेडम का क्या कर दिया यहाँ पे, क्रेड योग्यम कर दिया। इस तरह से हमें करना है बाकी में। तो देखो फर्स्ट में क्या आएगा, इदम डैश डैश अस्ति, तो जो ब्रैकेट में दिया गया है उससे हम शब्द बनाना है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ आपका, देखो चलचित्रम इस तरह से दर्शन योग्यम लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलचित्रम माँ हटा देना है और बिंदी वाला माँ लगा देना है, यहाँ से दर्शनम है तो दर्शन लिखने का, यम हटा के योग्यम लगा देना है, सेम ऐसा ही करना होगा। देन इदम डैश डैश अस्ति, तो क्या लिखोगे, कथाम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कथा, वो बिंदु वाला माँ आ जाएगा, कथाम। देन श्रवणम है तो श्रवण एक योग्यम, क्या लिखोगे, श्रवण योग्यम, इस तरह से लिख दोगे। आगे इदम डैश 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 अस्ति, तो क्या आएगा, पुस्तकम पठन पठन योग्यम, पठनम था तो पठन योग्यम हो जाएगा, पुस्तकम का पुस्तकम बिंदु वाला आ जाएगा। फोर्थ में देखो अस्थान है, तो अस्थानम दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें भी क्या आएगा आपका, सेम इसके जैसा ही, देखो यहाँ पे अस्थानम है तो यहाँ से माँ हटा के बिंदी वाला माँ लगा देंगे, और भ्रमण था तो भ्रमण योग्यम, माँ हटा के क्या करेंगे, भ्रमण योग्यम कर देंगे, आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट आपका इदम डैश डैश अस्ति, तो जलम है और स्नानम, जल का जलम में माँ हटा के बिंदी वाला माँ लगा देंगे, एंड स्नानम में क्या हो जाएगा, स्नान योग्यम कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा स्नान योग्यम, जलम स्नान योग्यम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, इस तरह से 5 मार्क्स कंप्लीट। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। आपको इवेंट्स के ऑर्डर पे, मतलब कौन सा वर्ड यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पहले आएगा, इसके बेस पे आपको यहाँ पे वो करना है। तो देखो यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। तो इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। देखो फर्स्ट वाला, देखो मैं पहले पूरा लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे टोटल 5 सेंटेंस है। देखो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए वाला लिखोगे, एका पक्षी अस्ति, यहाँ पे पहले आ जाएगा, ठीक है। देन दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, थर्ड वाला, ए वाला, ऐसा आकाशे अत्र तत्र गच्छति। ओके, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। ओके, ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, ये सेकंड नंबर हो गया। देन थर्ड नंबर पे क्या लिखोगे, फर्स्ट वाला कहाँ है, ए रहा, सा पुनः, देखो मैं यहाँ पे नंबर लिखा हूँ तो जो फर्स्ट आपका लिखा है वो थर्ड नंबर पे जाएगा, इस तरह से। ए आपका जो है, ए है आपका, थर्ड नंबर पे लिखना है। देन आपका फोर्थ नंबर पे ए वाले को लिखना है, जो सेकंड पे है ये फोर्थ में आएगा, एंड ए आपका फिफ्थ में। तो सबसे पहले कौन सा शब्द लिखोगे, ए वाला, ए का पक्षी अस्ति। दूसरे नंबर पे सह आकाश से तत्र गच्छति, ये पहले नंबर पे इसको लिख दोगे, देख रहे हो, ए वाला, सा पुनः पुनः वदति। फिर फोर्थ नंबर पे आप लिखोगे पक्षी द्वारम द्वारम अटति। देन फिफ्थ नंबर पे लिखोगे एकम एओ प्रश्नम पुच्छति। इस तरह से ऑर्डर में आप अरेंज कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे आपका एक पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।